जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। कि ढोल गंवार सूद पर सुनारी शकल ताड़ना के अर्थ सूद पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु पशु की कैटेगरी में, सबको ताड़ना दंडित करना मारना। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने प्रतिक्रिया दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के बयान पर अपर्णा यादव ने कहा कि शबरी के झूठे बेर खाकर भगवान श्री राम ने समस्त कास्ट बैरियर को तोड़ा और झूठे बेर खाकर सतयुग में उन्होंने एक परम उदाहरण दिया। राम भारत का चरित्र है और राम किसी एक धर्म या मजहब के नहीं। आज भी भारत में कहा जाता है कि बेटा हो तो राम जैसा हो। स्वामी प्रसाद की टिप्पणी पर अफसोस जताते हुए गलत बयानबाजी न देने की सलाह अपर्णा ने दी है। उन्होंने कहा है कि अपनी राजनीति गर्म करने के लिए किसी का भी ये बयान अपने खुद के चरित्र को दिखाता है। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे और वो भी झूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में, ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है, राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है, तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है, तो राम ही चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है, और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। इसके साथ ही अपर्णा यादव ने कहा कि ये बयान उनके खुद का चरित्र दर्पण है, वो कितना नीचे स्तर का है। अपर्णा रविवार को बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड में हो रहे श्याम सवारिया सेठ के नाम कार्यक्रम में पहुंची थी। बता दें कि पूर्व मंत्री सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर उन्हें आपत्ति है। तुलसीदास के रामायण में कुछ ऐसे अंश हैं जिन पर हमें आपत्ति है। किसी भी धर्म में किसी को गाली देने का हक नहीं है। तुलसीदास की रामायण में चौपाई है, इसमें वो शूद्रों का अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। धर्म के नाम पर विशेष जाति का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर धर्म के नाम पर किसी वर्ग को अपमानित करने के लिए कुछ कहा जाता है तो वो आपत्तिजनक है। रामचरित मानस के कुछ अंश हैं जिस पर मुझे आपत्ति थी, और आज फिर कह रहा हूँ, किसी भी धर्म में किसी को गाली देने का हक नहीं है। तुलसीदास की रामचरित मानस में एक चौपाई है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सब पच किरात कोल कलवारा। ये सीधे सीधे जाति का नाम लेकर उसे अधम जाति का सर्टिफिकेट दिया गया है। एक और चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी सब ताड़ना के अधिकारी। इसमें शूद्र और महिलाओं को भी ताड़ना का अधिकारी बताया गया है। इस पर आपत्ति करने पर धर्म के ठेकेदार ये कहने लग जाते हैं कि हमारा अर्थ उन्हें शिक्षा देने से है। को लेके मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन रामचरित मानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी
जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार शूद पशु नारी शकल ताड़ना के अक्षर। शूद पशु और नारी यानी महिलाओं को भी उसी पशु पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु पशु की कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने, वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा यह धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है। हम समझते हैं धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है, लेकिन मानवता पर कोई कुठाराघात करता है, मानव सम्मान, मानव स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ करता है, धर्म नहीं हो सकता। और इसी क्रम में हम ये भी जानते हैं कि धर्म सबके लिए बराबर होता है, लेकिन तुलसीदास जी की एक चौपाई से यह भी स्पष्ट किया गया, नहीं, कुछ के लिए कुछ, कुछ के लिए कुछ व्यवस्था होती है। मौर्य ने कहा कि धर्म का वास्तविक अर्थ मानवता के कल्याण और उसकी मजबूती से है। अगर रामचरितमानस की किन्हीं पंक्तियों के कारण समाज के एक वर्ग का जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है तो ये निश्चित तौर पर धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। इससे इन जातियों के लाखों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। अगर तुलसीदास की रामचरितमानस पर वाद विवाद करना किसी धर्म का अपमान है तो धार्मिक नेताओं को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं की चिंता क्यों नहीं होती? क्या ये वर्ग हिंदू नहीं है? उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के आपत्तिजनक हिस्सों जिनसे जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पर समाज के एक हिस्से का अपमान होता है उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। जिसमें लिखा गया है कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, पूज ही शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यानी विप्र ब्राह्मण समस्त गुणों से हीन है, कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो क्योंकि वो शूद्र। तो ये जो भेदभाव की भावना है ये धर्म का चरित्र नहीं। यद्यपि मैं इसको धर्म धार्मिक पुस्तक के रूप में मानता भी नहीं, क्योंकि जब बाबा तुलसीदास ने खुद कह दिया कि मैं स्वांता सुखाय के लिए इसको लिख रहा हूं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी खुशियाली के लिए लिखा है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और उसको उसमें विभिन्न प्रकार का भाषा निबंध का इस्तेमाल करते हुए लिखा है, तो उनके लिखने पर एतराज नहीं। लेकिन वो अंश जिससे एक बहुत बड़े वर्ग महिला समुदाय, एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, किसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए। बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर बयान से शुरू हुई राजनीति में भगवान राम को राजनेता और कितना इस्तेमाल करेंगे ये आगे पता चलेगा, लेकिन धर्म, जाति और भगवान राम पर राजनीति शायद इस देश में कभी खत्म नहीं होगी।